तो हे हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑगी एक बार फिर से मैं और भैया जैक आपके लिए लेकर आ चुके हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। ओए तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे हुए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बिल्कुल गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे, ओनली गाइस 11,000 सब्सक्राइबर लेफ्ट हैं हमारी 200 के फैमिली को कंप्लीट होने में। इसीलिए वीडियो लो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से करने का। क्या एकदम सही बोला, सब लोग मिलकर सब्सक्राइब बटन को दबा दो, एकदम तोड़ के मारो रे बाबा, लेकिन मारो जरूर रे बाबा। और अब तुम लोग का हो गया हो तो अब शाउट आउट के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ भैया बिल्कुल कहिए। और तो तुम लोग तो जानते हो जैक का एक ही शाउट आउट रहता है, वो भी तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो का शाउट आउट। लेकिन जैक कुछ दिनों से 1,000 किलो का शाउट आउट दे रहा है, तो आज भी 1,000 किलो का शाउट आउट देगा। और मुन्ना कैसी लगी मेरी कमेंट्री? हे भैया आपने तो एकदम सरपट बोल डाला। ओए मुन्ना वही तो प्रैक्टिस कर रहा था मैं। हे भैया टाइम मत वेस्ट कीजिए, शाउट आउट दीजिए। ओए मैंने दे दिया। तो गाइस मेरी तरफ से सभी को एकदम बड़े वाला शाउट आउट, वर्ल्ड का गाइस सबसे बेस्ट शाउट आउट। और वीडियो लो, मेरी तरफ से भी एकदम झक्कस वाला शाउट आउट। क्या? और मेरी तरफ से खिलाड़ियों वाला शाउट आउट, और मेरी तरफ से एकदम मस्त वाला शाउट आउट रे बाबा। वाह क्या बात है, माइनक्राफ्ट में दिन है सुहाना, दोनों बिल्ले आ गए साथ में संग लेकर कॉकरोचों को। अच्छा है भाई, अच्छा है। अच्छा है। हे भैया आज के दिन हम लोग एक ऐसी चीज बनाने वाले हैं जिसके आगे भैया अच्छो अच्छो ने घुटने टेक दिए हैं। मतलब कि भैया आज हम माइनक्राफ्ट में सबसे पावरफुल बनने वाले हैं। भैया हमें कोई भी नहीं हरा सकता, मतलब कि भैया कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं। ओए मुन्ना ऐसी क्या चीज है जिसमें से हम लोग सबको हरा देंगे? ओए मुन्ना हम सभी को हरा देंगे क्या? हाँ भैया कोई भी हो, नाम लेकर तो देखिए। क्या रे वीडियो लो, तुम लोग सायरेड को हरा दोगे क्या? तुमने तो सायरेड को हराया भी नहीं था, एकदम नेदर में भेजा था उसको। ओए मुन्ना झपलू एकदम सही कह रहा, और एक हीरो ब्रायन, और मुन्ना वो एक बर्निंग गॉडज़िला। हाँ भैया बात तो सही कही है। लेकिन भैया आज हम ऐसी चीज बनाएंगे जो भैया सबको हराने का दावा करती है। ओए मुन्ना मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज भी बनी होगी। नहीं भैया आज मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। हे भैया आज हम कुछ ऐसी स्वॉर्ड्स बनाने वाले हैं जो कि भैया माइनक्राफ्ट की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है, जिसके सामने भैया अच्छा अच्छा का छुट्टी हो जाती है। ओए मुन्ना तू उतनी देर से तारीफ बस कर रहा है, मुझे दिखाएगा अभी क्या बना रहा है। चलिए भैया मैं माइनक्राफ्ट की आपको सबसे पहली तलवार बना के दिखाता हूँ, जो कि भैया है तो पावरफुल लेकिन भैया मजेदार भी है। चलिए भैया मैं आपको सबसे पहली तलवार बना के दिखाता हूँ, जो कि भैया बहुत ही गजब की तलवार लगी भैया। मुझे तो लगा भैया जब मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ा ना भैया, मुझे तो सबसे पावरफुल बनने का एहसास हो गया था। ओ मुन्ना ये कौन सी कलर की तलवार बना दी? ओ ये तो रंग बिरंगी लग रही है। हे भैया ये रंग बिरंगी देखने के साथ साथ खतरनाक भी बहुत है। क्या रे बीड़ू लो, ये कौन सी तलवार है? क्या एकदम झक्कास लग रही है। एकदम सही बोला, खिलाड़ियों वाली तलवार बना दी। ये तो मुझे खाने वाली तलवार लग रही है बाबा। ओए खाने वाली तलवार नहीं है, मारने के लिए तलवार होती है। पागल कहेंगे, पपलू तो हमेशा बेवकूफी रहेगा। हे भैया पपलू को छोड़िए, आइए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि भैया हम लोग के पास नेदरराइट की तलवार भी होती थी, तो भैया हम लोग जितने भी इंचेंटमेंट कर ले कम से कम सामने वाला भैया 2 हिट में तो मरता ही था ना। लेकिन भैया अब देखिए मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। जैसे कि भैया ये रहे क्रीपर, जो कि हमें सबसे बड़े दुश्मन है। ये देखिए भैया एक एक बार में इनका काम तमाम हो जा रहा है ना। ओ मुन्ना तो बात तो एकदम सही कह रहा है, एकदम बढ़िया बात कह रहा है। ये देख एक बार में ही मर गए। और रुक जा मुन्ना, और भी स्पॉन कर। हाँ भैया रुक जाइए, ये लीजिए सर्वाइवल में हो गया मैं। और तब तो इन्हें और भी तोड़ूंगा, आ जाओ। और 2 और 4 आओ निकल लो। और मुन्ना तलवार तो कमाल की लग रही है। अभी रुकिए भैया, ये अभी तो एक नमूना मैंने दिखाया आपको। अभी तो भैया पिक्चर अभी बाकी है। और तो अभी तक ट्रेलर दिखा रहा था क्या? हे भैया ट्रेलर नहीं दिखा रहा था, मतलब कहने की बात होती है भैया, आप तो एकदम सीरियस ले लेते हैं। चलिए भैया मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ उस तलवार का। जैसे कि भैया हम लोग स्पॉन करते हैं आयरन गोलम को, फिर भैया इसका डैमेज देखिए। और मुन्ना आयरन गोलम कैसे मार पाएगा, इतना ज्यादा पावरफुल रहता है। मारिए तो भैया एक बार। और मार दिया। ओ ये क्या, ये तो 2 हिट में मर गया। हाँ भैया तलवार में दम तो है ना। ओह मुन्ना इस तलवार का डैमेज कितना है? हे भैया इसका आप डैमेज मत पूछिए। इसके बाद वाली भैया तो और भी पावरफुल है। उसको तो भैया उसका आप फैन हो जाएंगे।
ऐसी कौन सी तलवार है? रुक जाइए भैया, दिखाता हूँ। चलिए भैया, रात भी हो चुकी है। पहले भैया मैं आपको इस तलवार का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ओ यार, जॉम्बी भी नहीं दिख रहा है। ओ जॉम्बियो कहाँ चले गए? सभी मर गए क्या एक जगह? नहीं भैया, मरे नहीं होंगे, यहीं पर घूम रहे होंगे। रात भी तो हो चुकी है ना। क्या रे बीड़ू लोग, वो देखो सामने एक नमूना। क्या? और ये ले, मार दिया मुन्ना, एक हिट में मर गया। अभी तो भैया छोटे मोटे मॉब है। अभी तो भैया बड़ा बूम करना तो बाकी है ना। ओए बड़ा बूम भी करेंगे, तू निकल ले पहले नमूने। ओ हड्डी कहीं के निकल ले स्केलेटन, और भी कोई हो तो बता देना, उसको भी तोड़ूंगा। और मुन्ना कमाल की तलवार है। अभी तो भैया मैंने बोला ना, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है भैया। ओए मुन्ना अब डायलॉग बाजी बहुत हो गई, अब चलिए। ओए ये नमूने, इन्हें तो मारना बाकी है ना। चलिए भैया, आपने छोटे मोटे जॉम्बी तो बहुत मार दिए, अब भैया मैं आपको एक ऐसी तलवार बना के दिखाने वाला हूँ जो कि भैया माइनक्राफ्ट क्या, पूरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड की सबसे पावरफुल तलवार बनेगी। भैया मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शाउट आउट देता हूँ ना, आज भैया मैं वर्ल्ड की सबसे पावरफुल तलवार बनाऊंगा। अरे योगी, ये खिलाड़ियों वाली तलवार बना रहा है क्या? हे टपलू, खिलाड़ियों वालों से भी बेहतर तलवार बनाऊंगा। देखते जाओ टपलू। क्या अरे बाबा, खाने वाला तलवार भी है क्या? अरे बाबा, ओए मुन्ना ये पपलू तो एकदम खाने को ही सोचता रहता है। ओए इसको मुंह में तलवार देकर मारना, तब दिन भर खाने को नहीं सोचेगा। ओए ए भैया रहने दीजिए ना, उसको भूख लगती है तो क्या करे भैया। ओए मुन्ना उसका तो ठीक है, लेकिन तू बना क्या रहा है? ये कौन सी तलवार बना रहा है? ऐसी कोई तलवार भी बनती है क्या? हे भैया तलवार बनती नहीं, सबसे पावरफुल तलवार बना रहा हूँ। ओए मुन्ना तूने सच में बना दी? हाँ भैया, ये देखिए तलवार, हाथ में तो दीजिए भैया इसको। ओए हाथ में क्या लूँ मुन्ना, इसका रंग तो देख। ओए कितनी कमाल की लग रही है। ओए बताओ ना कॉकरोचो, क्या रे भिड़ू, ये तो एकदम झक्कास लग रही है क्या? एकदम सही बोला, एकदम खिलाड़ियों वाली तलवार लग रही है क्या? अरे बाबा इसका टेस्ट भी एकदम मस्त वाला होगा रे बाबा। चलिए भैया, हमने छोटे मोटे जॉम्बी भी तो बहुत मार लिए, अब भैया कुछ बड़ा करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि भैया अब इस तलवार की असली ताकत देखिए। चलिए भैया, सबसे माइनक्राफ्ट में सबसे पावरफुल आई थिंक भैया रेंजर ही होता होगा। और ये क्या करेगा, मरेगा क्या? देखिए भैया इस तलवार से दो हिट में मरा, लेकिन भैया अब बारी आती है भैया असली तलवार की, और भैया ये देखिए मर गया ना। ओ मुन्ना मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, जब मुन्ना फिर से स्पॉन कर। और रुक जा, तीन चार स्पॉन करूंगा, अब निकाल तलवार। ओ ये क्या हो रहा है मुन्ना, कमाल की तलवार है। और मुन्ना मेरे दिमाग में एक और आइडिया चल रहा है। हे भैया मेरे दिमाग में भी वही सेम आइडिया चल रहा है। क्या अरे बाबा, क्या आइडिया चल रहा है बाबा? कुछ खाने की व्यवस्था हुआ क्या अरे बाबा? और खाने होने की व्यवस्था नहीं हुआ, और वेदर को स्पॉन करने की तैयारी हो रही है क्या अरे बाबा? वेदर उधर को क्यों स्पॉन कर रहा है बाबा? बेफालतू का एकदम लड़ाई होगा रे बाबा। और लड़ाई तो मैं चाहता ही हूँ, और मुन्ना स्पॉन तो करा तू। हाँ भैया कर रहा हूँ। क्या अरे बीड़ू, ये तो एकदम खतरनाक लग रहा है क्या आज? एकदम तो वेदर की मुझे लगता है बैंड बजने वाली है, एकदम खिलाड़ियों के स्टाइल से। हे भैया आप देखिएगा, हम लोग इस तलवार से मारते हैं तो भैया ये देखिए चार हिट में वेदर की जो हेल्थ है एकदम आधी हो गई। ओए आधी तो हो गई मुन्ना, और तो, हाँ भैया मार रहा हूँ ये एक हिट। और भैया गिनते जाइएगा, और भैया देखिए और चार मार दी, तो भैया मतलब कि कुल मिला के आठ हिट में भैया हमारा जो वेदर है उसका काम फिनिश हो चुका है। लेकिन भैया अब मैं आपको उस तलवार का कमाल दिखाऊंगा, जब तो भैया आप इसके फैन हो ही जाएंगे। ओए मुन्ना चल दिखाएगा तो। ओए ये रहा नेदर स्टार। हे भैया नेदर स्टार को छोड़िए, इस तलवार को भैया लेकर आप पूरे माइनक्राफ्ट में राज कर सकते हैं। क्या रे बाबा, बिल्ले लोग पागल हो गए रे बाबा, फिर से वेदर को स्पॉन किया रे बाबा। ओए तू अपना मुंह बंद रख, रुक जा मैं इस पर आजमाता हूँ। हाँ भैया एक बार आजमा कर तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा। और रुक जा। ओए या क्या, ओए भाग तू रहा है। ओए मुन्ना इसका मुंह तो देख। है भैया उसका मुंह मत देखिए। वो देखिए भैया भाग गया। ओए भाग तक इधर मारू क्या? ओ ये क्या मुन्ना, हाँ भैया यही बात थी जो कि भैया मैं आपको उतनी देर समझाना चाहता था। ओए मुन्ना ओनली वन हिट, और इसका डैमेज कितना है? हे भैया डैमेज तो मैं नहीं जानता, लेकिन भैया इस तलवार का कमाल तो देखिए। और तो तू रुक मुन्ना, तू दो मिनट रुक, और दो दो वेदर को स्पॉन करूंगा। एकदम सही आइडिया लगाया जैक, तीन तीन को स्पॉन कर। और रुक जा, दो ही को स्पॉन कर देना, कहीं भारी न पड़ जाए। हे भैया दो को नहीं, दस को करिए भैया, एकदम दस हिट में दसों के दसों मर जाएंगे। ओए ऐसी बात है क्या? ये ले दोनों स्पॉन हो गए।
एक स्पॉन हो गया, रुक जा। ओ ये क्या, ये भी मरा एक हिट में। ओ ये भी मरा। ओ मुन्ना ये कमाल का, तूने एकदम बढ़िया तलवार बना दी है। अब तो हम माइनक्राफ्ट में राज कर सकते हैं, कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ भैया यही तो है इस तलवार की खासियत। देख के भैया दोनों मर गए। ओए मुन्ना मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा क्या। अरे बाबा इन वेदर को तो एकदम बैंड बज गया रे बाबा। हे भैया इन वेदर को तो अब बैंड बजा दिया। अब चलिए भैया दूसरे, भैया मेरे दिमाग में कुछ दूसरा आइडिया चल रहा है। और यार दूसरा आइडिया कौन चल रहा है। हे भैया भूल गए क्या, अभी भैया ड्रैगन तो बचा ही है ना। उस पर भी ट्राई कर देख ही लेते हैं वो कितने हिट में मरता है। और मुन्ना बात तो तूने एकदम बढ़िया कर दी। ओए कॉकरोच चलोगे क्या। मैं तो चलूंगा क्योंकि मुझे खिलाड़ियों का खेल देखने में काफी मजा आता है। क्या रे बीडूलो, मैं भी देखना चाहता हूँ इंडर ड्रैगन की कैसे बैंड बजती है। क्या क्या रे बाबा, वहाँ खाना मिलेगा क्या रे बाबा। ओए खाना क्या, वहाँ इतनी बड़ी तुझे फाइट देखने को मिलेगी, तुझे खाने को लगी हुई है। हाँ भैया चलिए चलते हैं जल्दी से। हे पपलू बांध लो सीट बेल्ट। क्या रे बाबा, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है क्या रे बाबा। एरोप्लेन नहीं, मारिए भैया छलांग। ओए मारू क्या, मार दिया। ओए आ गए। हाँ भैया आ गए। भैया नीचे क्यों गिर रहे हैं। ओए मुन्ना अभी तो हम लोग क्रिएटिव में हैं। हाँ भैया अभी तो क्रिएटिव में। लेकिन भैया अगर तलवार अच्छी रही ना तो भैया हम लोग इसमें से कई आइडियाज को ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए भैया एक एक बार में मरेंगे। अभी तो भैया ये लोग इस तलवार से एक बार में मर रहे हैं, मतलब कि भैया इसकी पावर तो भैया कितनी ताकतवर है ना। ओए मुन्ना इन नमूनों का क्या मार रहा है, असली वाले का मारने मजा आएगा। हाँ भैया जरूर, वो देख के भैया उड़ रहा है। हे भैया हम नॉर्मली हम लोग पहले इन्हें फोड़ते थे ना, आज भैया इन्हें भी नहीं फोड़ेंगे। देखते हैं भैया इंडर ड्रैगन मारता है कि नहीं। ओए मुन्ना ये भी एकदम बढ़िया आइडिया लगाया, हम लोग नॉर्मली इन्हें मार के पहले इनको फोड़ते थे ना, इसके जो खम्भे हैं आज बिना खम्भे फोड़े ही से मार कर देखेंगे, देखते हैं क्या मरता है कि नहीं। हाँ भैया एकदम सही आइडिया। क्या रे भीड़ लो, मैं वेदर को भी इधर फाइट के लिए बुला ले रहा हूँ। देखता हूँ क्या करता है वेदर। एकदम सही आइडिया लगाया जपलू, एकदम मेरे तो तूने दिल की बात कर दी। ओए क्या दिमाग लगाया जपलू, बहुत बढ़िया दिमाग। हे भैया अब फाइट देखने मजा आएगा। ओए हम लोग को फाइट देखनी नहीं, इन दोनों को मारना है और तोड़ना फोड़ना है। हाँ भैया रुक जाइए, मैं एक मिनट देखना चाहता हूँ क्या भैया वेदर इंडर ड्रैगन लड़ेगा कि नहीं। ओए वेदर लड़े ना लड़े, लेकिन हम लोग जरूर लड़ेंगे। ओए कहाँ जा रहा है, रुका जा थोड़ा पास तो आ। अब निकल ले, बहुत आराम से मारूंगा, निकल ले। मर गया मुन्ना ये तो। हाँ चलिए भैया इसका काम तो तमाम हो चुका है, अब चलिए भैया ट्राई करते हैं लास्ट वाले पे जो कि भैया होगा इंडर ड्रैगन। ओ मुन्ना ये उड़ रहा है, तो चलिए भैया इसका पीछे करते हैं और क्या। ओए रुकेगा तो फिर तुझे बताता हूँ, और रुक जा दो मिनट। हे भैया वो नहीं रुक रहा। रुकिए भैया थोड़ी देर में रुकेगा ही, वो देखिए भैया वो जा रहा है। अब ट्राई करते हैं। क्या रे बीडू लो, इसका तो एकदम बैंड बजने वाला है क्या। मारिए भैया। ओ ये क्या मुन्ना, ये तो बिना इसके खम्भे तोड़े ही मर गया। वाह क्या बात है, हो गई पिक्चर पूरी। अच्छा है। हे भैया देखा, मैंने कहा था ना इंडर ड्रैगन को तो भैया बैंड ही बज गया। देखिए भैया बिना इसके खम्भे तोड़े ही इसका तो भैया एक सेकंड में ही बैंड बज गया। ओ मुन्ना बिल्कुल सही कहा, ये तलवार तो मुन्ना एकदम धांसू तलवार है। हाँ भैया ये स्वॉर्ड तो एकदम भैया मुझे भी एकदम कमाल की लगी, लेकिन भैया सोचने की बात है क्या ये भैया हीरो ब्राइन स्टार एनहेड और बर्निंग गॉडजिला को हरा पाएगा क्या। ओ मुन्ना सोचने की बात तो आई है, तो गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। और भैया देखिए हम लोगों ने गेम को कितनी जल्दी कंप्लीट कर दिया ना। बात तो सही कही मुन्ना, तलवार तो एकदम मुझे एकदम कमाल की लगी। क्या रे बीडू लो, आज तो एकदम सबकी बैंड बजा दी झक्कास तरीके से। क्या एकदम सही बोला, आज तो हम लोगों ने इंडियन ड्रैगन की और साथ में वेदर द बॉस की भी बैंड बजा दी एकदम बराबर तरीके से। ओ एकदम आज तो एकदम मजा ही आ गया मुन्ना। हाँ भैया मजा तो आया ही, लेकिन मुझे भूख लगी रे बाबा। तो हे गाइस वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ना, इससे हम लोग को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 200 के फैमिली के काफी ज्यादा करीब हैं, इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर देना। ओए तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय गुड बाय, सबको बाय बाय बाय।